गुरदासपुर गांव में मिथुन चक्रवर्ती नाम का एक अमीर आदमी रहता है, जिनकी एक बेटी दिशानी चक्रवर्ती और एक बेटा नमासी चक्रवर्ती होते हैं। इन सब के अलावा मिथुन के घर में महाक्षय नामक एक वफादार नौकर भी रहता है, जो घर की साफ सफाई से लेकर घर के खाने पीने तक का पूरा काम करता है। और अगर कभी मिथुन अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं घूमने जाता है तो महाक्षय अकेला ही घर का देखभाल करता है। इसी तरह ही ये सब एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं। ऐसे में एक दिन सभी मिथुन के बर्थडे के लिए घर का डेकोरेशन कर रहे होते हैं, तभी घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद सब कैंडल जलाकर मिथुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दिशानी देखती है कि मिथुन का खून हुआ है, जिसे देखकर वो तुरंत इंस्पेक्टर योगिता वाली को अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद योगिता आकर पूरे घर को देखती है और सबसे एक एक करके पूछती है। तभी नमासी कहता है, मैं तो सो रहा था और मैं क्यों अपने पिता का खून करूंगा। वहीं महाक्षय कहता है, मैं सबके कपड़े प्रेस कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अंत में रोती हुई दिशानी कहती है, मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं पापा को नहीं मार सकती। ये सब सुनने के बाद योगिता समझ जाती है कि मिथुन का खून किसने किया है। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से असली खूनी कौन है? वेल, तो इस मज़ेदार सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। खैर, हम आपको बता दें कि मिथुन का खून महाक्षय ने किया है, क्योंकि कल रात से तो उनके घर में लाइट नहीं है। ऐसे में वो कैसे कपड़े प्रेस कर रहा था, जिससे योगिता को पता चल जाता है कि महाक्षय ने ही मिथुन का खून किया था और वो उसे जेल में डाल देती है। वेल, तो क्या आप मिथुन के खूनी का पता लगा पाए थे? अगर हाँ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।